अब खबर पंजाब से, जहां विधानसभा चुनावों के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार पर ईडी की रेड का मुद्दा कल दिन भर की सुर्खियों में रहा। मामले में जमकर सियासत हुई। बीजेपी पर एक बार फिर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा, लेकिन शाम होते होते सामने आया 6 करोड़ कैश और संपत्ति के दस्तावेज। क्या हुआ कल दिन भर, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच मंगलवार को दिन भर ईडी की रेड का शोर सुनाई दिया। राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह और उनके सहयोगी संदीप कुमार के आवास पर ईडी ने छापा मारा। पूरे दिन तलाशी अभियान जारी रहा। एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में बदले की कार्रवाई के बयानों का शोर था, जिसके बाद शाम को जानकारी मिली कि चन्नी के भतीजे और उनके सहयोगियों के ठिकानों से संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और 6 करोड़ रुपए मिले। लुधियाना में भूपेंद्र सिंह यानी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर में करीब 4 करोड़ रुपए और संदीप कुमार के घर में करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी मिली। सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी की। आपको सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर में ये देखिए कि आखिर ये मामला क्या था। दरअसल सीएम के भतीजे पर गलत तरीके से बालू का ठेका लेने का आरोप लगा है। 2018 में पंजाब पुलिस ने इसे लेकर केस दर्ज किया था। सीएम के भतीजे भूपिंदर ने पंजाब रियल्टर्स नाम से एक कंपनी बनाई थी। ईडी को शक है कि ठेका लेने में काले धन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पंजाब में 10 जगहों पर ईडी ने छापे मारे। हालांकि चन्नी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप मढ़ दिया। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे। अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2017-18 की कोई FIR को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी ना किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि ईडी का छापा मारना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि उनके पास खुद छिपाने के लिए चीजें हैं। हर कोई आपके जैसा नहीं होता। राहुल ने यहाँ #BJPFakeRaid का टैग भी चिपकाया। यहाँ पर कटघड़े में बीजेपी थी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर मिलीभगत का आरोप मढ़ दिया। बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना, गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। जब कुछ नहीं मिला, जब राजनीतिक तौर से सारी चीजें खंगाल ली और एक गरीब दलित युवा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो इस प्रकार के उल जलूल, बेतुके और बचकाने इल्जामात लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है। और साथियों, आजकल खूब नूरा कुश्ती चल रही है मोदी जी और केजरीवाल जी में। जब 10-15 मिनट के लिए काफिला रुक जाता है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री की डिफेंस में कौन कूदता है? अरविंद केजरीवाल जी महोदय सबसे पहले चन्नी साहब और उनकी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। और आज जब ना चन्नी जी को मालूम था, ना पत्रकारों को मालूम था, ना अखबार नवीसों को मालूम था कि ईडी की रेड होगी, तो ईडी की रेड होते ही पहला बयान किसका आया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। लगता है मोदी जी के आजकल डायरेक्ट हॉटलाइन अरविंद केजरीवाल जी से मिली हुई है। कांग्रेस का जवाब देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए। केजरीवाल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चन्नी का पूरा परिवार ही इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है,
और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि इनकी पूरी कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े बड़े रेता माफिया के लोग बैठे हैं, जिनको चन्नी साहब खुद संरक्षण देते थे। नहीं तो चन्नी साहब ने उनको क्यों नहीं निकाला, उनको अपनी कैबिनेट में क्यों रखा? रेड पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी ने इसे एक कानूनी प्रक्रिया बताया। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ये आरोप लगाते रहे हैं कि सूबे में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, फिर रेड पर कांग्रेस सवाल कैसे उठा सकती है? ये किसी के रिश्तेदार के साथ जोड़ने की हमें ठीक नहीं होगा। ये तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री का रिश्तेदार गैर कानूनी माइनिंग का काम क्यों कर रहा था, ये तो सवाल हो सकता है, लेकिन ये तो सवाल ही गलत होगा कि ईडी जो है मुख्यमंत्री के या रिश्तेदार हो या उसका दोस्त हो या कोई भी जो गलत काम करो उस पर छापा क्यों मारे, ये तो सवाल ही गलत होगा। ईडी एक इंडिपेंडेंट जो है एजेंसी है, ना तो मैं उनके ऊपर बोल सकता हूँ ना मेरे को कोई अधिकार है उस पर प्रतिक्रिया देने का, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी गलत करेगा वो गलत कामों के दायरे में आता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। और ये बात तो नवजोत सिंह सिद्धू बार बार चला चला के कहते रहे हैं कि पंजाब के अंदर माइनिंग माफिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये भी कहा कि हमारे मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेटमेंट है। और बड़ी बात क्या है कि 2018 में जब ये केस शुरू हुआ था, अगर आपके संज्ञान में हो, तो कैबिनेट में बहुत शोर मचा था, लड़ाई हुई थी और ये कहा गया था कि चन्नी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो तब चन्नी जी ने ये भी कहा था कि मैं गुरुद्वारे कसम खा लेता हूँ मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी और अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो डर काहे का। तो रेत के अवैध खनन को लेकर जमकर सियासत हुई, मामला सीएम के रिश्तेदारों से जुड़ा था तो इसने और आंच पकड़ी। अब नतीजा आने तक पंजाब की सियासत में ये शोर थमने वाला नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।